जाल निकला? नहीं निकल रहा है यार, लेकिन ये शो ऑफ कर दूं कि मैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देख आया हूं, और उम्मीद है कि मार्वल के सारे फैंस भी देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ लौट जाओ, मतलब फिल्म के देखने से नहीं, यहाँ वीडियो देखने से, क्योंकि वीडियो में आगे स्पॉयलर्स हैं। पहला स्पॉयलर ये है कि फिल्म 3 दिन में वीकेंड पर 90 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अब काम की बात सुनो कि आने वाली एवेंजर में क्या हो सकता है। पहली सॉलिड थ्योरी ये है कि जैसे सारे लोग धूल में मिल गए हैं ना, उससे आप पूछ सकते हैं यमा ऐसा भी कोई मरता है क्या? आधी से ज़्यादा एवेंजर्स की फ़ौज गायब हो गई, उनकी जगह गमोरा, लोकी, विजन का मरना ज़्यादा नेचुरल लगता है। तो हकीकत के सबसे नज़दीक थ्योरी ये है कि टाइम का खेल खेला गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने आगे जाकर देख लिया था कि क्या लोचा होने वाला है। लाखों फ्यूचर वाली लड़ाइयों के बीच जिस एक जीत की बात डॉक्टर ने की थी, वो शायद यही हो कि टाइम में आगे पीछे कुछ खेल करके सब माहौल सेट कर दिया गया है। डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, ये लोग मान नहीं सकते, इन सबकी फिल्में आने वाली हैं यार। अभी जुम्मे 4 रोज तो हुए हैं इनको आए हुए। स्पाइडरमैन की होमकमिंग का सीक्वल, ब्लैक पैंथर 2, डॉक्टर स्ट्रेंज 2 आने वाली हैं। सारे पावरफुल सुपर हीरोज हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की फैन फॉलोइंग एशिया में बहुत ज़्यादा है, वो यहीं पर बेस्ड है जहाँ से मार्वल की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा जाता है। उसको ये लोग ऐसे नहीं मार सकते हैं यार। गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की पूरी टीम साफ हो गई है, जो कि इम्पॉसिबल है यार। एडम वॉरलॉक गार्डियन से बदला लेने के लिए तैयार किया जा रहा है, वो हीरो भी हो सकता है, विलन भी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रॉकेट जो है वो थार का रैबिट दोस्त बन गया है, वो लौटेगा जरूर। एक और बात, टेंशन लेने का नहीं, अभी एंटमैन हॉकआई जिंदा है, हो सकता है कि अगली एवेंजर्स में ये लोग भी दिख जाएं भौकाल दिखाते हुए। एक और बात, एस्गार्ड की आधी जनता मरी है, ये बात थार खुद अपने श्रीमुख से बता चुके हैं, लेकिन आधी तो बाकी है ना। एस्गार्ड के लोग सालों साल जीते हैं और महापावरफुल होते हैं, ये बात भी पता है, इसलिए उधर से भी उम्मीद का एक कीड़ा काट रहा है। खैर, एवेंजर्स 4 का नाम भी काफ़ी कुछ डिसाइड कर देगा, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नाम आने दो। एक और सबसे खास बात, फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी पेजर जैसे यंत्र से, पुराने जमाने का यंत्र था ये कोई, जो ये संदेश भेज रहे हैं, वो कैप्टन मार्वल के पास जाने वाला है। लोगों को लग सकता है कि अब एवेंजर्स में कैप्टन मार्वल देखने को मिलेगी, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं, ये सपना मत देखो यार, कहे कि सपने जब टूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। कैप्टन मार्वल मार्वल सीरीज की सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो होने वाली है, ऐसा मार्वल के प्रेसिडेंट केविन फेज ने 2016 के एक इंटरव्यू में बताया था। एक और पॉइंट है हाइड्रा की वापसी। कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद हाइड्रा का उतना जिक्र नहीं आया है, न हालिया स्पाइडरमैन होमकमिंग या ब्लैक पैंथर में, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में हाइड्रा का लीडर रेड स्कल उस ग्रह पे नज़र आता है जहां थानोस सोल स्टोन लेने गया था। रेड स्कल को कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर के अंत के बाद से नहीं देखा गया था। उस फिल्म में वो क्रैश होते प्लेन से हाथ में टेसरेक्ट उठाने के चक्कर में कहीं गायब हो गया था। अब पता लगा वो अब तक जिंदा है और कई चीज़ें जानता है, साथ ही इन्फिनिटी स्टोन के पास रहा है। ये बातें भले उसे शक्तिशाली न बनाती हों, लेकिन ये दिखाती हैं कि अब भी वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो कल को मार्वल की फिल्मों में हाइड्रा की वापसी या रेड स्कल का और ज़्यादा रोल और योगदान तो तय है, और कुछ नहीं तो रेड स्कल की मौत तो दिखानी ही चाहिए। अब ये एवेंजर्स 4 में होता है या और किसी फिल्म में, ये देखना है। तो ये थी अगली एवेंजर्स में हो सकने वाली चीज़ों की लिस्ट। कैप्टन मार्वल की पूरी कुंडली के लिए आपको एक और वीडियो देखना होगा जो जल्दी ही आने वाला है। इसके अलावा एवेंजर्स 4 की एक और संभावित पावरफुल थ्योरी, ससुरा बड़ा स्टोन वाला, देखने के लिए भी आपको हमारे चैनल पर फिर से आना है।